मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम है संचयन भाग 2, से पहला लेसन जो है हरि काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर, उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जहाँ तक हरियर काका जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, कथावाचक जो है उनकी चुपचाप की वजह जानना चाहता है, क्योंकि वे उनसे प्यार करते थे। हरियर काका जब कथावाचक छोटे थे, उनको खेल कूद करवाते थे, और बड़े हो गए यानी सयाने हो गए, तो हरि काका ने ही उसके पहला मित्र बना था। तो इस तरह वह दूसरों के साथ उस कथावाचक के साथ पे भी वह जो है दोस्ती या उनसे भी कुछ नहीं कहना चाहते। उसके बाद इसकी स्थिति के लिए क्या है, और वो कारण को जानने से पहले ठाकुर बारी के बारे में बताया जाता है। ये एक भव्य मंदिर है, पहले छोटा था, एक संत इसे पूजा करता गया, बाद में जो है वहाँ पर लोग जो है मन्नत मांगने लगे, जैसे पुत्र के लिए हो, मुकदमे के हो, लड़की की शादी के लिए हो। जैसे जैसे उनके मनौतियाँ पूरी होती तो वह कुछ ना कुछ भेंट दे देते। उसमें कुछ लोग तो अमीर लोग तो जो हैं अपना जायदाद में से, जैसे खेतों में से थोड़ा बीघा जमीन उसे दान दे दिया। तो आज जो है वह ठाकुर बारी जो है 20 बीघा जमीन वहाँ पर उसके लिए आ गया है, और ठाकुर बारी देख रेख अब विशाल मंदिर होने के कारण जो है प्रत्येक 3 साल में एक महंत जो अध्यक्ष है या अधिकारीगण और एक पुजारी की नियुक्ति हो जाती है। और यहाँ पर जो है लोग जो है ठाकुर बारी को इतना यानी देवस्थान है इतना मानते थे कि कोई भी त्यौहार हो, पहले भोग जो है यह ठाकुर बारी को ही चढ़ाते थे। और उसी प्रकार अब और कथावाचक को जो है ठाकुर बारी से जो वहाँ के महंत है या संत हैं, साधु संत हैं, उनके लिए प्रवचन हो, लोगों को जागृति और विमुख हुए, धर्म से विमुख हुए, उन्हें फिर से राह पर लाने के लिए बहुत ही यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर बदलाव जो हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो है परिस्थिति अलग है। हरियर काका भी ठाकुर बारी पर जाना बंद कर दिए हैं, और कथावाचक को भी जो है वह जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है काम धाम करते नहीं हैं। वहाँ के जो साधु संत केवल जो आया भोग चढ़ाया हुआ नैवेद्य को वह खाते हैं इस तरह। और उसी बीच जो है हरियर काका की यहाँ पर जो उनका छोटा सा परिवार है, और ये कुल मिलाकर 4 भाई हैं, जिसमें चारों की शादी हो चुकी है, और हरियर काका के बाल बच्चे नहीं हैं। बाकी के सब शादी होकर बाल बच्चे हैं, लेकिन हरियर काका के 2 शादी होते हुए भी कोई औलाद यानि बच्चे नहीं हैं। लेकिन जब दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं, तो बच्चे और वहां के लोगों ने भी कहा कि सलाह दी कि और एक शादी कर ले, लेकिन ऐसे नहीं हो सका, क्योंकि उसकी उम्र जो है ढलती गई थी। और हरियर काका अभी जो है दूसरों के जो भाई हैं उसके जो बच्चे हैं वह बड़े यानी सयाने हो गए हैं। तो हरियर काका को अभी जो निसंतान है, और उसके दोनों पत्नियां सिधार गई हैं, और बाकी जो 3 भाइयों की पत्नियां हो, बच्चे हो, किस तरह उसे ट्रीट करते हैं वह अब हम देखेंगे।
तो अब हम प्रारंभ करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया था। आगे है इस प्रकार, हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। हरियर के परिवार यानी चार भाइयों के बीच जो है 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। प्रत्येक भाई के जो है वो कितने बीघा जमीन आएगा? 15 बीघा जमीन। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं क्योंकि इनके पास जो है खेत ज़्यादा होने के कारण यह सभी खेत पर ही निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। तो ये संयुक्त परिवार यानी सभी मिलकर रहना इस प्रकार हैं। हरियर काका के तीन भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करें। देखिए, क्योंकि आपको पता है जो तीनों भाई हैं अपने पत्नियों को समझा रहे हैं कि यदि हरियर काका को हमने ठीक से देख लिया तो वह निसंतान हैं और उनके पत्नियां जो हैं सिधार गई हैं, ऐसे उनको बताते और सेवा करने की बात कहते, नाश्ता खाना देने की बात कहते, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरियर काका की खोज खबर लेती रही, यानी अच्छे से उनको देखभाल करती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला? आगे आगे कैसे जो दिन निकलते तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ठहर चौका लगाकर पंख झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। देखिए, हरियर काका को जो है अभी देखना छोड़ दिया है, उतना ध्यान नहीं देते हैं और अच्छे अच्छे पकवान जो हैं केवल अपने पतियों के लिए बनाते हैं। हरियर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें आती, कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। देखिए, वह उनसे प्रेम करता था, इसीलिए बची कुची चीज़ें देने पर भी वह संतोष से या संतोष करते हुए वह उसे खा लेता। कोई उसे उतनी दूसरों के प्रति वह शिकायत नहीं थी, वह अपने होते हैं इसीलिए उनसे बैर भी नहीं करता था। इस तरह जो है उनके जो भाइयों की पत्नियां उनसे देखना जो है छोड़ दिया था। आगे देखेंगे, अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। देखिए, जब उनके देखने के लिए कोई नहीं है तो वह बीमार पड़ते हैं तो बहुत ही मुसीबत कष्ट हो जाता उनको। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। देखिए, इसी बीच जो है उनको परिवार में यदि पानी देने के लिए भी कोई जो देने वाला भी तक वहाँ पर नहीं है तो समझिए वह बीमार पड़ गया तो बहुत ही कष्ट होगा उसे। सभी अपने कामों में मशगूल, मशगूल यानी नीचे दिया है व्यस्त। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। जो बाकी तीन भाइयों के बच्चे जो हैं धमाकुड़ी यानी धमाका मचाने लगते, जो शोर करने लगते, इसका मतलब यही है। मर्द खेतों पर गए रहते, जो मर्द यानी उनके हरियर काका के तीन भाई, वह सभी जो हैं कृषि पर निर्भर हैं इसीलिए कृषि पर खेतों पर जाते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती, लेकिन जो औरतें हैं वह हरी काका की हाल पूछने यानी उनकी हालत कैसी है ये भी पूछने नहीं आती है। ढलान, ढलान यानी कॉरिडार के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। देखिए, अभी पूछने वाला कोई नहीं है तो कॉरिडार पर बैठकर जो है अपनी कोई भी ज़रूरत की पूर्ति हो यानी उसे तसल्ली करनी हो तो केवल उन्हें ही करना पड़ता हरियर काका को। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरियर काका की आंखें भर आती। देखिए, जब अब उनकी उम्र ढल गई है तो ऐसे वक्त में पत्नी जो है उन्हें याद आ रही है क्योंकि वह अभी उनकी सेवा कर सकती थी।
भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। मोह भंग यानी यहाँ पर देखिए मायूसी, निराशा। अब जो है भाइयों की पत्नी की पत्नी हो, भाइयों के परिवार के प्रति जो है इनको अभी मोह भंग होना प्रारंभ हो गया। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया, यानी विस्फोट हो गया। इसका मतलब क्या है, उसकी सीमा का जो है सीमा जो है उसने उगल दी। जैसे उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई, सहन शक्ति जो है टूट गई। क्यों, कारण एक घटना बताते हैं। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे, भतीजे यानी भांजा जो है, का एक दोस्त गांव आया था। तो जो बड़े जो हरियर काका के भाई का बेटा है वो क्लर्की है, उसका एक जो है दोस्त आया है। उसी के आगमन के उपलक्ष में, उपलक्ष यानी उसके उद्देश्य में दो तीन तरह की सब्जी बजके चटनी रायता आदि बने थे। देखो स्वादिष्ट भोजन बनाता कोई मेहमान आया है तो। बीमारी से उठे हरियर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। देखिए ऐसे में जो हरियर काका भी जो है उसका भी मन जो है ललचाया है कि ऐसे स्वादिष्ट भोजन को खाना है। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की। देखिए हाँ, वह मन में मन, क्योंकि उन्हें सराहने लगे। इसका मतलब क्या है, तुम आ गए इसीलिए स्वादिष्ट भोजन बना है तो मैं भी खा सकूँगा, उसे मन ही मन जो है सराहने लगे। इसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी, सही है कि नहीं। तो उनके वजह से जो है स्वादिष्ट खाने को उनका जो है मिलने वाला था, तो मन ही मन जो है भतीजे के दोस्त को सराहने लगे थे। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई, बातें जो है बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। देखिए सबों ने यानी सब ने खाना खा लिया लेकिन हरि काका को कोई पूछने नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए। दवनी हो रही थी, वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया गया हो। तीनों भाई जो हैं वह सोच रहे थे कि हरियर काका को यानी उसके भाई को पहले ही खाना परोस दिया गया होगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ था। अंत में हरियर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात मट्टा वहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, भात मट्टा और आचार। बस हरियर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। अभी उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। छोटी पत्नी की जो छोटे भाई की पत्नी जो है खाना लेकर आई तो उसमें स्वादिष्ट खाना नहीं था, भात मट्टा और आचार उतना ही था। तो हरियर काका ने थाली को फेंक दिया तो बाकी सब जो हैं लड़कियां भोंए बाहर आ गई। हरियर काका के गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। देखो तुम क्या मुझे मुफ्त में नहीं खिलाती हो, मैं अपने मन से यहाँ बात निकाल देना, यह मन से जो है बात निकाल देना कि मैं मुफ्त में खाता हूँ। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, यानी जो उत्पन्न है वह इसी घर में आती है, उसमें तो मैं दो चार नौकर रख लूँगा। देखिए उसमें तो मैंने दो चार नौकर रख सकता हूँ, आराम से खाऊं
तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सबों को बताऊंगा आदि। इस तरह जो है गुस्सा होकर वह जो है हरियर काका की भी कुछ गलती नहीं है, वह सोचता है कि उनके जो भाइयों की पत्नियां हैं वह एक दिन जो स्वादिष्ट भोजन अपने भतीजे के लिए भतीजे के दोस्त के लिए बनाया था वह खाना दे देता तो वह हंसी खुशी से खा लेता, लेकिन उसे बचा कुचा ही देने पर वह गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मैं यहाँ पर मुफ्त का नहीं खाता हूँ, ऐसे मत सोचो, मेरा भी जो पूरा उत्पन्न है इसी घर में खर्च होता है और मैं उसे खर्च के बजाय आप ही उसे खर्च करते हैं। तो आगे क्या होता है, जो इस प्रकार डांट फटकार होने पर हरियर काका को जो है किस प्रकार आगे जो है वह परिवर्तन होता है, क्या होता है यदि वह घर से निकल जाता है, वह सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपने घरों में सुरक्षित रहिए। अब तक जो हुआ आपको याद रहना है कि हरियर काका जो हैं जो घर के परिवार के साथ वह झगड़ा कर चुके हैं क्योंकि उनको रूखा सूखा जो खाना दे रहे हैं, तो अब वह आगे घर छोड़कर जाते हैं, यहीं वही रहते हैं या उनके अन्य भाई पत्नियों को डांटते हैं, यह देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।